नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अड्डेसिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। अगर आप ये दृश्य देख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये दृश्य है दोस्तों कल के पटना का, यानी कि बुधवार को पुलिस ने लाठी चार्ज किए हैं फिर से उन छात्रों के ऊपर जो छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं अपने परीक्षा बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम को लेकर। इनका कहना है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक का मामला सामने आया है, लेकिन यहां पे इस परीक्षा को रद्द करने के बजाय इसकी परीक्षाओं को बिहार सरकार आगे की तरफ बढ़ा रही है, मेंस की तैयारी कर रही है कि इनकी मेंस की तैयारी का एग्जाम डेट निकाला जाए और इसकी एग्जाम भी यहां पे लिए जाएं। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस पे सीबीआई जांच बैठाई जाए, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग। और कुछ छात्राएं हैं जिनके बारे में आपको वीडियो में दिखलाऊंगा कि वो अपने हाइट को लेकर भी क्या कह रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि यहां पे जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो इस दरोगा भर्ती को लेकर ही दी गई है। दरोगा भर्ती के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो आयोजित हुई थी परीक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, यानी कि बीपीएसएससी ने इसकी लिखित परीक्षा ली थी, जिसमें कि धांधली का जांच करने का सीबीआई मांग किया जा रहा है परीक्षार्थियों के द्वारा, और परीक्षा को अभी फिलहाल रद्द करने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी जो सैकड़ों की तादाद में यहां पे पटना साइंस कॉलेज से निकले और आक्रोश मार्च निकाला इन लोगों ने। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास को घेराव भी करना चाहते थे, लेकिन डाक बंगले चौराहे तक अभ्यर्थी ने डाक बैरिंग तोड़ी और पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें तितर बितर करने का भी कोशिश किया। इस वीडियो में देख सकते हैं कितनी बर्बरता से ही पुलिस इस पे लाठी चार्ज कर रही है लोगों पे, और आधे घंटे तक डाक बंगला चौराहा और उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो जाम की स्थिति में बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अशोक राजपथ से गांधी चौक तक और मुसल्लमपुर भिकना पहाड़ी तथा नया टोला, जो कि पटना का क्षेत्र होता है, वहां से लेकर अभ्यर्थियों का मार्च निकाला गया है और गांधी मैदान स्थित राम गुलाम चौक जो कि यहां पे पहुंचे। मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस ने एक बैरिगेटिंग का उपयोग किया। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था भी अपनी कर रखी थी, लेकिन अभ्यर्थियों का ये मार्च जो है दोस्तों एग्जीबिशन रोड तक जा चुका और डाक बंगले चौराहे की तरफ मुड़ चुका था। तब तक वहीं पर इन पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों की नोकझोंक हुई और इस नोकझोंक में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन पर की लाठी चार्ज हुई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये पुलिसकर्मी जो है ये डीएसपी हैं और ये जो है ये देखिए कितनी बर्बरता से इनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं लोग। कितने देख सकते हैं आप लोग ये तस्वीरों में कि, और इनमें से बहुत सारे छात्र का कहना है कि आप लोग घबराए नहीं, हम लात खाएंगे, घुसे खाएंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, इनका ये कहना है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर कीजिए कि ये बिहार में स्थिति है नीतीश कुमार की सरकार में, जिसमें कि कुछ अभ्यर्थियों के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार, मनीष, अभिषेक, विपुल, सुजीत और अभिनव, राहुल, कंचन, ये जो लोग हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनको हल्की चोटें भी आई हैं यहाँ पे इस आंदोलन में। और बता दें आपको कि विवेक, विकास और अर्जुन पुलिस के हिरासत में भी लिए गए हैं। अभ्यर्थी दिलीप कुमार ने यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। मांगों की कार्रवाई नहीं होने पर स्थिति में विधानसभा सत्र को दौरान घेराव करने की हम लोगों ने सोच रखी थी, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाठी ही बरसाई जा रही है और कुछ यहाँ निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ पर है, उनके ही शहर में, उनके ही राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और वो एक शब्द भी निकलकर सामने होकर नहीं बोलना चाह रहे हैं इस विभाग इस टॉपिक पे। दोस्तों आप देख सकते हैं लाखों, यहाँ सैकड़ों की तादाद पे हैं वो छात्र जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को मैंने आप तक शेयर किया है ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों तक भी पहुँच सके। और देखिए हर दिन तो क्या है कि न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पटना से हैं और वो लोग ही वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पेड़ के ऊपर भी कुछ छात्र डर के मारे चढ़े हुए हैं, लेकिन ये डर वो नहीं है कि पुलिस इनको मारेगी, ये डर वो है कि यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं और इनका कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई विपक्षी दल का नेता है जो कि उठकर आए और इनके सहयोग में उठकर बातें करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये छात्र ही अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों में, तिरंगा लिए हुए हाथों में है और ये भारत माता की जय जयकार भी लगा रहे हैं। कुछ संस्थानों के यहाँ पे शिक्षक पहुंचे हैं, उन संस्थानों के शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों से यहाँ शांतिपूर्वक ही आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं कि शांति ही रहे, कोई हिंसा ना हो। और लेकिन ये जब ये लोग अशांति यानी कि अहिंसा को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर शांति नहीं रखी जाती है पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाठी चार्ज करा दिए जाते हैं और ये मामला निकल कर आया है। दोस्तों आज के अखबारों में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये कल का ही सीन है सारा का सारा। और ये हालात ही है यहाँ पे
इन आंदोलन में। दोस्तों आपको आगे में अवगत कराता हूं कुछ छात्राओं से जो कि क्या कहना चाहती हैं, आप लोग भी देखिएगा, लेकिन वो सुनिए एक बार यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये जो छात्राएं, क्या आखिर क्या है बात, मामला क्या है यहाँ पे। तो आप लोगों ने सुना यहाँ पर इनको कि यहाँ पे एक मीडिया कर्मी ने इनसे सवाल पूछा कि आप मेंस की परीक्षा में हाइट को लेकर विरोध कर रही हैं या इस सीबीआई जांच को लेकर विरोध कर रही हैं। तो उनका कहना है पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय मिल सके, और बाद में जो बातें कही गई थी कि महिलाओं को हाइट को लेकर भी यहाँ पे कम किया जाएगा बिहार दुर्गा में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनका यहाँ पे पीटी निकला हुआ है और उनकी हाइट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, कहीं उनके मेंस निकलने के बाद उनको बाहर ना किया जा सके, फिर से एक आंदोलन ना खड़ा हो बैठे, इसलिए ये पूरी सीबीआई जांच हो और इसके पूरे निष्कर्ष निकाले जाएं, ये मांग किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखलाऊंगा जिसमें कि बहुत सारे छात्रों के हाथ में ये पेपर लीक मामले का पूरा पुख्ता सबूत है, इन लोगों के पास ऐसे सबूत दिखाए जा रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, ये देखिएगा मैं तस्वीरों में दिखलाऊंगा आपको यहाँ पे। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं दोस्तों तो ये जो पेपर पे इनके पास सबूत है ये बता रहा है इनको कि सीबीआई जांच इसकी कराई जाए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले इनके पास ये पेपर कैसे आ गए, जब आपके कॉलेज में आपके स्कूल में जहां भी सेंटर हुआ करते थे वहां पे जैमर लगे हुए थे, कोई मोबाइल काम नहीं करता, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं नोटिफिकेशन में भी, तो आखिर ये पेपर बाहर कैसे आया, या अगर पेपर बाहर आया या पहले भी तो बहुत सारे जगहों पे जो बंडल था वो बंडल खुला कैसे मिला, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये छात्र जो हैं अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनने को एक नहीं मान रही है और ना ही इस पर कुछ बात करने को भी आगे चल रही है, और यहाँ पे विरोध पे विरोध हो रहे हैं, लेकिन इस विरोध का सिर्फ एक ही नतीजा आ रहा है, ये पर सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें अलग क्षेत्रों की भी दिखलाएंगे आपको, ये सभी जगहों से छात्र निकले और एक जगह डाक बंगले चौराहे पर पहुंचे, और वहां आपके आसपास ये देख सकते हैं आप नीतीश कुमार जी का पुतला भी इन लोगों ने जलाया यहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है किसी भी मुख्यमंत्री को लेकर, ये विरोध मुख्यमंत्री को सीधा हो रहा है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का विरोध इतना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ले सकता है और ये शायद उनके आने वाले इलेक्शन को भी घातित कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे ये घटना जो हो रही है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें किसी का लॉस तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छात्र और छात्राएं जो कि इस बार के परीक्षा दिए हैं उन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अगर उन लोगों का सीबीआई जांच नहीं हुआ तो ये मामला ऐसे ही कैसे रह जाएगा, और ये जो आपके अगले जो परीक्षाएँ हैं मेन्स की उसकी तैयारी में तो सरकार लगी हुई है, सरकार चुपचाप कान बंद करके ये सारी प्रक्रियाएं कर रही हैं, और उनका मेंस का एग्जाम भी डेट निकाल दिया जाएगा कुछ दिन में, और कुछ दिन के बाद उनका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। ये सारी अपडेट जो दोस्तों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मुझे आवेदन मिले हैं, और ये देखिए यहाँ पे जरा सा एक शिक्षक है जो कि अपने छात्रों को यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, ये पटना के ही शिक्षक है, और हमें हमारा अधिकार मिले, हम पढ़ते हैं, हमें नौकरी चाहिए और चाहिए मतलब चाहिए। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि इन लोग बात कर रहे हैं, रोड पर आना पड़ेगा तो रोड पर आएंगे, ये रोड पे आएंगे, भूखे रहना पड़ेगा तो भूखे रहेंगे, ये भूखे भी रहेंगे, गांधी को पढ़ते हैं एक दिन गांधी को जी के देखेंगे, और गांधी को जी के देखने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे छात्र यहाँ पे शिक्षक हैं जो कि शिक्षक अपने छात्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि धांधली हो रही है तो उसके विरोध में खड़ा हो जाए। एक और शिक्षक है ये पटना के, सर रहमान सर कहते हैं इनको, ठीक है, ये आप उनको तस्वीरों में देखेगा, ये भी कुछ अपने छात्रों से अपनी बातें रखना चाहते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये लोग ये क्या कहना चाहते हैं, इनको जरा सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस शिक्षक है वहाँ के, अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी बातें क्या रखी हैं इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, इन्होंने जय जयकार लगाया है भारत माता की, आगे चलते हैं देखते हैं, बिल्कुल जय है सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं ये सुन लीजिए इनसे। देखिए मेरे तमाम छात्र, हमारी बेटी और बेटा, हम लोग 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है और आजादी के लिए भी युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी है। एक बात स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं तमाम युवाओं को, और युवाओं के माध्यम से माननीय मुख्य
एकमात्र कारण है कि युवाओं को मुख्य धारा से अलग करके इस देश को बर्बाद कर दो। और याद रखिए, अगर एक बात सुन लीजिए, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, अपने देश, अपने राज्य के मुखिया से, इन अबोध बच्चों से के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये किसी के बच्चे, कोई बच्चे सूद पर पैसा लेकर आए हैं, किसी कोई बच्चे अपनी माँ की गले का हौसली रख के आए हैं, वो कोई जमीन गिरवी रख के आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना दोस्तों कि यहाँ भी ये लोग विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की सरकार के लिए विरोध हो रहा है यहाँ पे। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो छात्र गांव से उठकर आए हैं, अपने माता पिता के पैसे कहीं ना कहीं सूद पर लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, तो उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य की रक्षा करें। यहाँ नीतीश कुमार से एक ही आग्रह कर रहे हैं ये लोग कि इन छात्रों का भविष्य को देखें और इन छात्रों का ही जो है सुझाव है उनके ऊपर चर्चा करें और उसके बारे में बात करें। आप इलेक्शन जरूर जीत जाएंगे और आप इलेक्शन में जीतकर जरूर एक बार आ जाएंगे, लेकिन अगर आप छात्रों के हित में बात करेंगे तभी ऐसी चीज़ें होंगी। ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं दोस्तों, ये इन रहमान सर के द्वारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, जो कि मुझे ये खबर आप तक पहुंचानी थी। अखबारों के माध्यम से भी आप इन सभी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसका विरोध अगर करना है तो आप लोग #CBI जांच करके लिख सकते हैं अपने ट्विटर पे बिहार गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे भी आप जाके ट्वीट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे CBI जांच को लेकर यहाँ पे जो बातें हैं वो सरकार के कानों तक जाएं और शायद इसकी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालें। लेकिन सरकार फिलहाल अभी आँख कान बंद करके अपने इस रिजल्ट मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं कि ये लोग इनकी एग्जाम करा दें और जल्द से जल्द इनकी सारी प्रक्रियाएं खत्म की जाएं। तो ये एक अपडेट था दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये सबसे अवगत हो सके सभी लोग। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।